हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश, सबको स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केंट लंका वर्सेस रॉयल रोमा के बीच में होने वाला 7th और 8th T10 मैच के बारे में। तो दोस्तों, डेट एंड टाइम की बात करें, ये जो मैच है दोस्तों 4 बजे शाम को और 6 बजे शाम को खेला जाएंगे। वेन्यू की बात करें दोस्तों, रोमा क्रिकेट ग्राउंड रोम में खेला जाएंगे। स्कोर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 100 से 110 रन तक बन सकते हैं। पिच की बात करें दोस्तों, बैलेंस्ड पिच रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर केंट लंका की बात करें पहला मैच खेलने वाला दोस्तों, रॉयल रोमा की बात करें 2 मैच खेले, दोनों मैच जीत गए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 इस प्रकार दूंगा। केंट लंका की प्लेइंग 11 में आपको विकेट कीपर कौन होगा, बैट्समैन, ऑलराउंडर, उसके बाद दोस्तों बॉलर्स होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर रॉयल रोमा प्लेइंग 11 क्या होने वाला, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर, ये सारा और बेंच प्लेयर भी बताऊंगा दोस्तों रॉयल रोमा, क्योंकि 2 मैच खेल चुके हैं इसलिए बेंच प्लेयर भी आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे इन्फॉर्मेशन मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता दोस्तों, तो टेलीग्राम पे आपको जाना है, @shatrughan225 जाके सर्च कीजिएगा दोस्तों। सर्च करते आपको मेरे चैनल्स हो जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर 1080 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, और शत्रुघ्न चौबे भी जाके सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरे चैनल्स हो जाएगा। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको फाइनल टीम भी मिलेंगे, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 5 में से 1 प्लेयर को चुनना पड़ेगा, इसका भी यहाँ पर प्रेडिक्शन दिया जाएगा, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे डिटेल्स है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अभी टीम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो केंट लंका प्लेइंग 11 की बात करें, यहाँ पर आपको 2 विकेट कीपर नजर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर धनुष्का तिक्रिया दूरा है दोस्तों, यहाँ पर 12 मैच में 71 रन और 2 विकेट है दोस्तों यहाँ पर इनके पास। और यहाँ पर इवन रेनाथ की बात करें, 2 मैच 3 रन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर धनुष्का की बात करें, यहाँ पर कुछ काल बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो वो पार्ट टाइम बॉलिंग है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आप धनुष्का को आप चाहे तो ले सकते हो। इन दोनों में बेस्ट की बात करें धनुष्का है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन की बात करें, यहाँ पर बैट्समैन पे आते हैं दोस्तों डीसन फर्नांडो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है दोस्तों। यहाँ पर 16 मैच में 337 रन और 14 विकेट लिए हैं। और उसके बाद समारो निमेश की बात करें, 8 मैच में 21 रन 1 विकेट है दोस्तों। यहाँ पर प्रथम मधुशंका की बात करें, 9 मैच में 89 रन है। मिशन एलेसियो की बात करें, 5 मैच में 6 रन है। और मिथुन बुमेनका की बात करें, 9 मैच में 89 रन है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर प्लेइंग 11 की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बैट्समैन में डीसन फर्नांडो को ले सकते हो दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद प्रथम मधुशंका, उसके बाद मिथुन भुवनेका को आप ले सकते हो, यहाँ पर 3 बैट्समैन को आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर तिमिरा फेरारा है, 3 मैच में 2 रन बनाए। और निकोलो फर्नांडो की बात करें, 9 मैच में 76 रन और 6 विकेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर निकोलो फर्नांडो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और बॉलर्स पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आयरस विमुक्ति है दोस्तों, 9 मैच में 2 रन 8 विकेट है। और प्रसन्ना की बात करें दोस्तों, यहाँ पर तिक्रिया दूरा, 5 मैच में 3 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं। तो यहाँ पर एक ही बॉलर यहाँ पर आएंगे, आयरस विमुक्ति। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो एक टीम की प्लेइंग 11 आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल रोमा की प्लेइंग 11। तो पहला जो प्लेयर है दोस्तों, मुबारक हुसैन है, यहाँ पर 2 मैच खेले, दोनों मैच में अच्छे स्कोर बनाए दोस्तों, 60 रन और यहाँ पर 89 रन बनाए दोस्तों यहाँ पर। तो अब इनको जरूर टीम में लीजिएगा, यहाँ पर विकेट कीपिंग में यही प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और बैट्समैन में दोस्तों, यहाँ पर गगनदीप सिंह है, यहाँ पर लास्ट मैच पर कमाल की गेंदबाजी की, 2 ओवर में 3 विकेट लिए दोस्तों, 4 रन बनाए। और यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर 2 ओवर में कोई विकेट ने 9 रन बनाए दोस्तों पहला मैच में। उसके बाद देवपुरा तिनुसा की बात करें, 1 ओवर में कोई विकेट ने 12 रन बनाए, 2 ओवर में 1 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। आमिर गुलाम की बात करें, नॉट प्लेयर हैश है दोस्तों इनके पास। और हैश मतलब है दोस्तों प्लेइंग 11 में थे लेकिन मौका नहीं मिला। और राजविंदर सिंह की बात करें, 1 ओवर में 1 विकेट 2 रन बनाए और 5 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 4 बैट्समैन में अगर बात करें, यहाँ पर आप गगनदीप सिंह को आप यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। देवपुरा को आप चाहे तो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको राजविंदर सिंह भी एक अच्छे प्लेयर है, आप चाहे तो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ही प्लेयर अच्छे नजर आ रहे हैं, उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर गगनदीप सिंह। आप चाहे पर देवपुरा तिनुसा को आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें, मुख्तियार सिंह है, 1 ओवर में कोई विकेट है 0 पे आउट हो गए, 2 ओवर में 2 विकेट 4 रन बनाए दोस्तों यहाँ पर। कुलविंदर राम की बात करें, 15 मैच में 20 रन 2 विकेट है। बिलाल मोहम्मद 4 मैच में 67 रन 1 विकेट है। उसके बाद सादम गुल जदरान की बात करें, 2 ओवर में 2 विकेट 1 रन बनाए और 1 ओवर में कोई विकेट नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें, यहाँ पर मुख्तियार सिंह लास्ट मैच में विकेट नहीं लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, आप जरूर टीम में लीजिएगा। कुलविंदर राम और यहाँ पर बिलाल मोहम्मद अभी तक तो नहीं खेले। और यहाँ पर सदमुगल जदरान को भी आप यहाँ पर ले सकते हो।
उसके बाद इस टीम की गेंदबाजों की बात करें दोस्तों, यहाँ पर अनिल कुमार आते हैं, एक ओवर में कोई विकेट नहीं, दो ओवर में कोई विकेट नहीं दोस्तों, यहाँ पर उमर शहजादे दो ओवर में एक विकेट है और एक मैच नहीं खेले। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन भी मिल गए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो रॉयल रोमा के बेंच प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर बिजवाड़ा फणींद्रा है दोस्तों, अभी तक तो नहीं खेले, 18 मैच में 7 विकेट 180 रन बनाए, और मुनीम नियाजी की बात करें 24 मैच में 276 रन 14 विकेट है, और जितेंद्र प्रकाश दोनों मैच में प्लेइंग इलेवन रहने के बावजूद भी इनको मौका नहीं मिला बैटिंग बॉलिंग। और अशरफुल इस्लाम की बात करें सेम है दोस्तों, यहाँ पर दोनों मैच में प्लेइंग इलेवन में रहे लेकिन इनको मौका नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सारे प्लेयर्स के स्टार्ट सबको बताने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभी फाइनल टीम बनाएंगे। तो फाइनल टीम में यहाँ पर आपको देखा जाए तो किसको पिक करना चाहिए आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। यहाँ पर विकेट कीपिंग में मुबारक हुसैन आपको बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर डी फर्नांडो और यहाँ पर जी सिंह जरूर टीम में रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक गुलाम और डी तीनुषा है दोस्तों, यहाँ पर तो मैं आर सिंह को यहाँ पर मैं पिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स में दोस्तों टी फेरारा अच्छा प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर एम सिंह है दोस्तों, आप इनको जरूर टीम में लीजिएगा, और एस जदरान है। इन तीनों ऑलराउंडर को लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में एफ निमंता है, और यहाँ पर देखा जाए तो क्रिस दोरा है दोस्तों, यहाँ पर उमर शहजादे और यहाँ पर ए कुमार है दोस्तों, आप इनको पिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो मेरा टीम बन गया, और कैप्टन और वाइस कैप्टन पे दोस्तों यहाँ पर आपको मुबारक हुसैन यहाँ पर कैप्टन रहेंगे जरूर, और वाइस कैप्टन की बात करें यहाँ पर एम सिंह रहने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार टीम को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बार पहले टीम को देख लीजिए। तो यहाँ पर टीम देखा जाए तो विकेट कीपर में हुसैन है दोस्तों, बैट्समैन में फर्नांडो जी सिंह आर सिंह है, ऑलराउंडर्स पर दोस्तों फेरारे एम सिंह जदरान है दोस्तों यहाँ पर, और गेंदबाजी में तिकरे जोरा निमंता यू शहजादे ए कुमार। तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कैप्टन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एम वाइस कैप्टन पे एम सिंह और मुबारक हुसैन है, और यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर केंटलंका के यहाँ पर 4 प्लेयर्स है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर रॉयल रोमा के 7 प्लेयर हैं। तो दोस्तों ये जो टीम है इस टीम को आप सेव करके रख लीजिएगा, लास्ट 5 या 10 मिनट पहले दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पे सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको मैं टेलीग्राम पे फाइनल टीम दूंगा दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ आप भी आके खेल सकते हो, उस एप्लीकेशन बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन लो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं रहता, तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।